नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज 18वां लेक्चर है और इस 18वें लेक्चर में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वाक्य परिचय और वाक्य के प्रकारों के बारे में। वाक्य के जो भेद हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक जो भेद है उसको हम दोस्तों आज हम यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ वाक्य में उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये भी यहाँ पे जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों वाक्य क्या होता है, क्या होता है वाक्य? शब्दों के सार्थक मेल को कहा जाता है वाक्य। यानी वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए, शब्दों का मेल किस प्रकार से होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। यानी वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तो शब्दों के सार्थक मेल को कहा जाता है वाक्य। उदाहरण देखें यहां पे, श्याम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है एक वाक्य है। ये कितने शब्दों से बना है, श्याम स्कूल जाता है। अब देखो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि इन चारों शब्दों को हम, क्योंकि हमें तो मेल करना है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, श्याम है स्कूल जाता। तो क्या ये सार्थक मेल हो रहा था? बिल्कुल दोस्तों, ये सार्थक मेल नहीं हो रहा था। तो वाक्य तो किसी भी प्रकार से बन सकता है, लेकिन तब तक वो वाक्य नहीं कहलाएगा जब तक शब्दों का सार्थक मेल नहीं हुआ। तो यहां पे ये सार्थक मेल है, श्याम स्कूल जाता है, तो इसलिए ये एक वाक्य हो गया। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज वर्षा होने वाली है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे एक से अधिक के आगे, एक से अधिक यहाँ पे शब्दों का मेल हो रखा है और वो भी सार्थक मेल हो रखा है, आज वर्षा होने वाली है, तो एक कंप्लीट ये वाक्य बन चुका है। तो समझ गए होंगे आपके वाक्य क्या है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ये तो साधारण सी बात थी दोस्तों। अब बात आती है वाक्य के अंगों की। तो वाक्य में कितने अंग होते हैं, मुख्यतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है वाक्य में और विधेय क्या होता है वाक्य में? तो दोस्तों उद्देश्य को जान लेते हैं पहले। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। उदाहरण से आप समझोगे अच्छे से, फिर भी एक बार दोबारा आप परिभाषा सुनिए इसकी, कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए उसे कहा जाता है उद्देश्य। जैसे देखो यहां पे बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, खेल कौन रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यानी जो खेलना है, जो खेल रहे हैं, वो ये जो यहां पे खेलना जो क्रिया है वो किसके लिए प्रयोग की गई है, किसके लिए कहा गया है, बच्चों के लिए कहा गया है। तो इसमें खेल रहे हैं किसके लिए कहा गया है, बच्चे के लिए कहा गया है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहा जाता है उद्देश्य। तो बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्देश्य हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ोगे, कुल मिला के इसमें क्या है, बच्चे हैं यहां पे उद्देश्य। दूसरा एग्जांपल देखो, गीता पढ़ रही है, तो जो पढ़ रही है वो, ये पढ़ रही है ये किसके लिए कहा जा रहा है, गीता के लिए कहा जा रहा है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहा जाता है उद्देश्य। तो गीता यहाँ पे उद्देश्य हुई। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि उद्देश्य के अंतर्गत आपका आता है कर्ता। तो जो कर्ता होगा वाक्य में वही आपका उद्देश्य होगा। कर्ता यानी काम करने वाला, क्रिया करने वाला। तो यहाँ पे खेलना क्रिया है, खेल कौन रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे हो गए कर्ता, और कर्ता ही आपका उद्देश्य कहलाएगा। उसी प्रकार से गीता पढ़ रही है, पढ़ क्रिया हो गई, पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। और पढ़ क्रिया कौन कर रही है, गीता कर रही है। क्रिया कौन कर रही है, गीता कर रही है, यानी गीता हो गई कर्ता, और कर्ता ही आपका उद्देश्य हो गया। रमेश व सुरेश स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल कौन जा रहे हैं, रमेश और सुरेश। यानी रमेश और सुरेश दोनों यहाँ पे जाने की क्रिया कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे हो गए कर्ता, और कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। तो रमेश और सुरेश उद्देश्य हो गए। और साथ ही साथ दूसरे प्रकार से भी आप समझ सकते हैं
कि रमेश और सुरेश के लिए क्या कहा जा रहा है वाक्य में, कि वे स्कूल जा रहे हैं। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए वाक्य में उसे कहा जाता है उद्देश्य। तो यहाँ पे रमेश और सुरेश हो गया उद्देश्य। अब विधेय क्या है, तो वाक्य में कर्ता के या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसे कहा जाता है विधेय। यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे कहा जाएगा विधेय। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे के विषय में कहा जा रहा है ना कि वो खेल रहे हैं, तो बच्चे तो उद्देश्य है, लेकिन बच्चे के विषय में क्या कहा जा रहा है वो है खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है, खेल रहे हैं, तो ये खेल रहे हैं विधेय कहलाया जाएगा। यानी उद्देश्य के अलावा वाक्य में जो भी होता है, जो भी अन्य शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं विधेय। गीता पढ़ रही है तो गीता उद्देश्य है, और गीता के विषय में क्या कहा जा रहा है, वो पढ़ रही है तो पढ़ रही है हो जाएगा विधेय। रमेश और सुरेश स्कूल जा रहा है, इसमें स्कूल जा रहा हो जाएगा विधेय, रमेश और सुरेश हो जाएगा विधेय, रमेश और सुरेश हो जाएगा उद्देश्य। तो उद्देश्य और विधेय आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम आगे अब वाक्य के भेदों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो वहां पर यही उद्देश्य और विधेय आपके बहुत काम आने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वाक्य के भेदों के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे वाक्य के जो भेद होते हैं उनके रचना के आधार पर हम वाक्य के भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद जानेंगे अर्थ के आधार पर। क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं तीन भेद। एक साधारण सा प्रश्न ये भी बन सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भेद। ये अभी हम आगे जानेंगे जब हम इस रचना के आधार पर वाक्यों के इन तीनों भेदों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीन भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। रचना के आधार पर हो गया सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले ये सरल वाक्य या जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, ये क्या होता है? तो सरल वाक्य में क्या होता है दोस्तों, इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। क्या होगा? एक उद्देश्य यानी कार्य करने वाला कर्ता, और एक विधेय होगा इसमें। अब कई बार क्या हो सकता है कि उद्देश्य दो भी हो सकते हैं कई बार, लेकिन उन दोनों उद्देश्यों की या जो दोनों कर्ता होंगे उनके द्वारा जो की जाने वाली क्रिया होगी वो हमेशा एक ही होगी। अभी एग्जाम्पल ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आगे। तो फिलहाल अभी इस पर ध्यान दीजिए कि जो सरल वाक्य होते हैं सामान्यतः उनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य यानी कर्ता, और कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय। उदाहरण देखो, रमेश खेलता है, तो खेलता कौन है? रमेश। तो रमेश के बारे में कहा जा रहा है तो रमेश हो गया उद्देश्य या कर्ता, और रमेश के बारे में क्या कहा जा रहा है वो हो गया विधेय, तो वो है खेलता है। तो एक उद्देश्य है, एक विधेय है। सुरेश यहां पे उद्देश्य हो जाएगा, और पढ़ता है यहां पे हो जाएगा विधेय। अब यहां पे देखो, इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाने वाला था। यहां पे देखो दो उद्देश्य आ गए, गीता और रीता। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दो उद्देश्य आते हैं कई बार, लेकिन क्या होता है वहां पे, उन दोनों उद्देश्य या दोनों कर्ताओं के द्वारा जो की गई क्रिया है वो समान होनी चाहिए। अब यहां पे दोनों क्या कर रहे हैं? समान क्रिया कर रहे हैं, गीता और रीता, या गीता व रीता पढ़ रही हैं, तो एक ही क्रिया है पढ़ना। तो दोनों एक ही क्रिया यानी समान क्रिया कर रही हैं, तो ये भी एक प्रकार का सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य है। रमेश व सुरेश दो उद्देश्य आ गए, लेकिन यहाँ पे जो विधेय है या जो क्रिया है वो एक ही है, दोनों समान क्रिया कर रहे हैं, दोनों कर्ता या दोनों उद्देश्य, तो यहाँ पे भी ये सरल वाक्य या साधारण वाक्य हो जाएगा। इतना आप दोस्तों समझ गए कि सरल वाक्य क्या है या साधारण वाक्य क्या है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं, दो या दो से
अधिक सरल वाक्य इसमें जुड़े होते हैं तब जाके ये संयुक्त वाक्य बनता है। और दो या दो से जो अधिक ये सरल वाक्य है ये किन से जुड़े होते हैं, तो यहां पे बीच में योजक शब्द लगे रहते हैं, और तथा अथवा किंतु परंतु नहीं तो, तो ये यहां पे योजक शब्द हैं जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ते हैं और एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। अब यहां पे आपके आपके समझ में एक बात तो आ रही होगी बिल्कुल, कि जब यहां पे दो या दो से अधिक सरल वाक्य आ रहे हैं तो सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय तो होता ही होता है वाक्य में, क्योंकि अगर उद्देश्य और विधेय नहीं है वाक्य में तो वो किस प्रकार का वाक्य है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय तो होता ही होता था सरल वाक्य में। अब दो सरल वाक्य जब मिल रहे हैं, दो या दो से अधिक सरल वाक्य यानी उद्देश्य भी क्या हो जाएंगे, दो या दो से अधिक हो जाएंगे, और विधेय भी क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक हो जाएंगे। अब देखो यहां पे उदाहरण, उसने बहुत परिश्रम किया, ये क्या है, साधारण वाक्य है, उसने बहुत परिश्रम किया। उसने यहां पे क्या है, एक उद्देश्य है, और बहुत परिश्रम क्या किया ये हो जाएगा विधेय। उसी प्रकार देखो यहां पे सफलता नहीं मिली, तो यहां पर भी क्या है, एक ये साधारण वाक्य है। लेकिन इन दोनों साधारण वाक्यों को ये जो किंतु योजक शब्द है वो जोड़ दे रहा है, तो इन दोनों साधारण वाक्यों से क्या बन रहा है, एक संयुक्त वाक्य का निर्माण हो रहा है। तो उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं स्कूल आया, देखो इसमें मैं क्या है, उद्देश्य हो गया, स्कूल आया हो गया विधेय। और दूसरा इसमें साधारण वाक्य है या सरल वाक्य है, वह घर चला गया, तो वह हो जाएगा उद्देश्य, घर चला गया विधेय। अब यहां पे ये दोनों अगर संयुक्त होते हैं और संयोजक शब्द से या और योजक शब्द से, तो दोनों सरल वाक्य या साधारण वाक्य जो और योजक शब्द से जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनते हैं, एक कंप्लीट संयुक्त वाक्य बन जाता है। और इस संयुक्त वाक्य में देखो यहां पे एक और दो, दो उद्देश्य हो गए और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, दो विधेय हो गए। तो संयुक्त वाक्य में सदैव क्या होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होंगे। राधा ने मेहनत की, एक साधारण वाक्य है, सफल हो गई, और इनको जोड़ा गया और शब्द से, तो राधा ने मेहनत की और सफल हो गई, तो ये एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, दोनों अलग अलग साधारण वाक्य से एक संयुक्त वाक्य बन गया है। मैं पढ़ता हूं एक बिल्कुल अलग साधारण वाक्य है, वह गाता है बिल्कुल एक अलग सा साधारण वाक्य है, और योजक शब्द बीच में लग गया है, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, यहां पर भी संयुक्त वाक्य हो गया। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप संयुक्त वाक्य के बारे में। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य का जो तीसरा भेद है, ये तीसरा यहां पे, ठीक है, दो ही दिखा गया है, ये है तीसरा। तो रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है दोस्तों, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। अब यहां पर मैंने उपवाक्य इसलिए कहा कि देखो ये पूरा वाक्य नहीं है, ये उपवाक्य इसलिए है कि जो ये उपवाक्य निर्भर करता है, ये दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करता है, तब जाके ये एक मिश्रित वाक्य बनता है। तो दो या दो उपवाक्य या दो से अधिक अधिक उपवाक्य इसमें होते हैं, और इसमें एक उपवाक्य जो होगा वो प्रधान या मुख्य उपवाक्य होगा, जबकि दूसरा होगा गौण उपवाक्य जो कि उस पर निर्भर करेगा। मतलब दोनों, जो एक तो मुख्य होगा और जो दूसरा उपवाक्य होगा उसके साथ जुड़ा हुआ वो उस पर निर्भर करेगा। योजक शब्द क्या लगे होंगे, जैसे, वैसे, जब, तब, कि, यदि, अगर, तो, यथापि आदि, योजक शब्द, ये योजक शब्द इसमें लगे होंगे। उदाहरण से आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखो संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में यहाँ पे आप क्या अंतर आपको देखना है ये आपको समझना होगा। उदाहरण देखो, ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब यहां पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक साधारण वाक्य भी तो हो सकता है, और दो साधारण वाक्यों का मिलाकर तो योजक शब्द से जोड़कर ये संयुक्त वाक्य भी तो बन सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पे देखो यहां पे जो उत्तीर्ण हो जाओगे, अगर मैं सीधे किसी को कहूंगा कि उत्तीर्ण हो जाओगे, वो सोचेंगे कहना क्या चल रहा, मैं उत्तीर्ण क्यों हो जाऊंगा, कुछ तो कारण होगा, या उससे पहले मैंने कुछ तो कहा होगा, ये पूरा वाक्य तो बन नहीं रहा है, क्योंकि एक कंप्लीट साधारण वाक्य भी तो नहीं है,
कंप्लीट अगर साधारण वाक्य होता तो एक बात, ये कंप्लीट एक साधारण वाक्य नहीं है, उत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, ये कहीं ना कहीं किसी एक अन्य वाक्य पर या अन्य उपवाक्य पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। अर्थात इससे पहले मैंने, अगर मैं किसी के लिए कहूंगा कि उत्तीर्ण हो जाओगे, यानी उससे पहले मैंने कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर कहा होगा, यानी जो ये उपवाक्य है ये किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है। तो उत्तीर्ण कब हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो तभी तो उत्तीर्ण हो जाओगे। किसी को आप अगर कहोगे सीधे उत्तीर्ण हो जाओगे, वो भी सोच में पड़ जाएगा कि मैं उत्तीर्ण क्यों हो जाऊंगा, कुछ तो कहना पड़ेगा ना उससे एक्स्ट्रा, यानी यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो कुल मिलाकर जो ये देखो, अब यहाँ पे ये तो मुख्य वाक्य हो जाएगा उपवाक्य, यदि परिश्रम करोगे, और तो यहाँ पे योजक शब्द हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला उत्तीर्ण हो जाओगे, इस पर ही निर्भर करेगा। उत्तीर्ण कब हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे। दूसरा देखो, जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, तो वर्षा कब हो रही थी, जब मैं घर से निकला। तो कहीं ना कहीं दोनों में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो मेरा भाई कौन है, जो लड़का कमरे पे बैठा हुआ है। और शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी है, छुट्टी होगी, तो कल स्कूल में छुट्टी होगी किसके द्वारा बताया गया है, शिक्षक के द्वारा बताया गया है। तो इतना आप इसमें समझ गए होंगे कि मिश्रित वाक्य में क्या होता है, कि अगर आप दोनों उपवाक्यों को देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक उपवाक्य आपको इस प्रकार से लगेगा कि वो दूसरे पर निर्भर कर रहा है। ऊपर से आपको इन योजक शब्दों को भी जरूर देखना है, और जहां पर ये आएंगे, जैसे वैसे, जब तब, की, यदि, अगर, तो, यथापि, ये योजक शब्द आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार थे रचना के आधार पर वाक्यों के। अब हम बात करते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो एक सिंपल सा प्रश्न ये बनता है यहां से कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य के 8 भेद। कौन कौन से होते हैं, विधान वाचक वाक्य, नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाच्य और संकेतवाचक वाक्य। ये 8 भेद होते हैं वाक्य के। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले विधान वाचक वाक्य, विधान वाचक को सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। सकारात्मक यानी इसमें क्या होगा, क्रिया हो रही होगी। तो जिस वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है या क्रिया होने की सूचना मिलती है, क्रिया होना पाया जाना, क्योंकि सकारात्मक तभी तो हुआ हो अगर कोई काम कर रहा है, तो काम कर रहा है ना वो, सकारात्मक कर रहा है, हाँ मतलब वो क्रिया कर रहा है, तो सकारात्मक वाक्य या विधान वाचक वाक्य इसको इसीलिए कहा जाता है कि वाक्य में क्रिया हो रही है या क्रिया होना पाया जाता है या क्रिया होने की सूचना मिलती है। उदाहरण देखो, श्याम खाना खा रहा है, तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव वे है। अगर श्याम खाना नहीं खा रहा है तब वो नकारात्मक या निषेधवाची हो जाएगा, लेकिन श्याम खाना खा रहा है, सकारात्मक वाक्य है ये, क्रिया का होना पाया जा रहा है, क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है, खाना खाया जा रहा है श्याम के द्वारा, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, क्रिया का होना पाया जा रहा है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तो ये भी विधान वाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है नकारात्मक, बिल्कुल विधान वाचक का विपरीत हो जाएगा ये, या इसे निषेधवाची वाक्य भी कहा जाता है। इस वाक्य में क्या होता है, निषेध यानी ना होना, यानी कार्य का न होना, कार्य क्रिया का न होना। देखो यहां पर तो क्रिया का होना पाया जा रहा है, यहां पर क्रिया या कार्य का होना नहीं पाया जाता है। श्याम खेलने नहीं गया, श्याम खेलने नहीं गया, अगर श्याम खेलने गया तब तो सकारात्मक यानी विधानवाचक वाक्य, लेकिन श्याम खेलने नहीं गया, निषेधवाचक हो गया ये, निषेधवाची, यहाँ पे ना हो गया ना, कार्य करने के लिए ना हो गया, क्रिया करने के लिए ना हो गया, निषेधवाची वाक्य, इसीलिए इसको नकारात्मक भी कहते हैं, गीता स्कूल नहीं गई। तीसरा है यहाँ पे आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में क्या होता है, इसमें किसी को आज्ञा देना या किसी को
निर्देश देना या किसी से प्रार्थना या विनय करना, प्रार्थना करना, तो ये आज्ञावाचक में आता है। जैसे सारा सामान खरीद लाना, कोई अगर आपको कहे कि सारा सामान खरीद लाना, कहीं ना कहीं वो आपको या तो निर्देश दे रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो आपको आज्ञा भी दे रहा है, या कोई अगर छोटा व्यक्ति है और वो आपसे कहे कि सारा सामान खरीद लाना, तो छोटा व्यक्ति आपने देखो वो आज्ञा नहीं देता, वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। आपका कोई छोटा भाई है, वो बोलेगा कि भाई सारा सामान आप खरीद लाना, तो आपसे वो प्रार्थना कर रहा है। या आपका कोई बड़ा व्यक्ति है आपके साथ, तो वो आपको आज्ञा दे सकता है। तो इसलिए प्रार्थना न करना या निर्देश या आज्ञा देना, ये सारे के सारे जो यहाँ पे ये भाव हैं, ये आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। बड़ों का सम्मान करो, तो एक निर्देश दिया जा रहा है, या जो बड़े होते हैं वो आज्ञा भी दे सकते हैं आपको, अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो बड़ों का सम्मान करो, ये भी एक आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आ गया है। चौथा है प्रश्नवाचक, ये तो सिंपल है, प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछता है, यानी प्रश्न पूछने का बोध इसमें होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमेशा लगा रहेगा। उदाहरण देखो, क्या आप शहर जा रही हैं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है आप किसी दूसरे व्यक्ति से जो शहर जा रहा है या जा रही है, उससे आप पूछ रहे हो, यानी प्रश्न कर रहे हो कि क्या आप शहर जा रही हैं, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या उसने झूठ बोला, तो ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक में क्या होता है, इसमें वक्ता क्या करता है, अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा, आशीष या भाव को प्रकट करता है। इसमें आशीष देना हो गया, आशीर्वाद देना हो गया, क्योंकि देखो आशा, आशीष या आशीर्वाद देना, ये हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है। जबरदस्ती आपने कोई देखा नहीं होगा कि कोई जबरदस्ती क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है या इच्छा दे रहा है। जब भी आप अपने से किसी बड़े अपने से बड़े के चरणों में अगर आप नमन करते हो या उसको प्रणाम करते हो, नमन करते हो, तो उस व्यक्ति का हाथ अपने आप उठ जाएगा या उसके मुख से अपने आप शब्द निकलेगा, चिरंजीव रहो, या क्या हो जाएगा उसमें, या आपकी आयु लंबी हो, इस प्रकार से आशीर्वाद या आशा निकल जाती है। तो कुल मिला के वो हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, जो अपनी इच्छा अनुसार दिया जाता है। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, ये भी एक इच्छावाचक वाक्य है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, और आज मैं केवल हिंदी पढ़ूंगा, तो ये भी एक स्वयं की इच्छा हो गई। तो ये इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आ गया। इसमें व्यक्ति ने क्या किया, इसमें अपने व्यक्ति ने अपना भाव प्रकट किया, इसमें व्यक्ति ने क्या दिया, आशीर्वाद या आशीष दिया। तो भाव प्रकट करना स्वयं का, जैसे आज मैं केवल हिंदी पढ़ूंगा, ये स्वयं का क्या है, भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं आज ऐसा करने वाला हूं, मैं केवल आज वही करूंगा, तो इस प्रकार के वाक्य कहलाएंगे इच्छावाचक वाक्य। छठा है संदेह वाचक वाक्य, तो इनमें संदेह या संभावना की भावना प्रकट होती है। जैसे शायद आज बारिश हो, एक संदेह हमें हो रहा है, जरूरी नहीं कि आज बारिश होगी ही होगी, तो शायद आज बारिश हो, एक संभावना हमने प्रकट की, एक अनुमान हमने लगाया, एक संदेह हमें हमने प्रकट किया कि आज बारिश हो सकती है, हो सकता है आज धूप निकले, बारिश के बाद ये भी हो सकता है कि धूप निकले, हमने ये भी अनुमान या संदेह क्या लगाया, हमें संदेह हुआ या हमने संभावना इसकी प्रकट की, जरूर नहीं कि आज धूप निकले, लेकिन हमने संभावना ये प्रकट की कि आज धूप निकल सकती है। उसके बाद सातवां है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि में क्या होता है, इसमें विस्मय हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, और क्या हो सकता है विस्मयादि बोधक में, घृणा हो सकती है, प्रेम, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, हर्ष, ये सब क्या होता है, अचानक होता है विस्मय, विस्मय नहीं कुछ अचानक हो जाना, आश्चर्य भी अचानक हो जाता है, घृणा भी मतलब गुस्सा भी क्या हो जाता है, अचानक से आ जाता है, ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति दिन भर घृणा में रहता होगा या गुस्से में रहता होगा। प्रेम भी अचानक आ जाता है, जैसे कोई छोटा बच्चा दिखे तो उसको प्रेम करने का मन करता है। हर्ष, खुशी भी एकदम से कभी कभी अचानक आ जाती है, कोई दिन भर तो खुश रहता नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार के भाव जब भी देखेंगे तो वहां पे विस्मयादि बोधक वाक्य होंगे, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो एक विस्मय हो रहा है क्योंकि अचानक आपने वो दृश्य देखा और आपने कहा वाह कितना सुंदर दृश्य है, और इसमें ये चिन्ह लगेगा,
ये आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ओह हिंदी पढ़ना कितना आसान लग रहा है। तो जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तब क्या आप ऐसा कहोगे? बिल्कुल नहीं। आपने हिंदी पढ़ी और आपने कहा ओह हिंदी पढ़ना कितना आसान लग रहा है। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको ये ओह इंग्लिश पढ़ना कितना आसान लग रहा है। तो विस्मय आपको हो रहा है, आश्चर्य आपको हो रहा है। हाय उसके माता पिता चल बसे, तो यहाँ पे क्या है एक दुख का भाव। तो कुल मिला के एकदम से विस्मय हो, जैसे आश्चर्य घृणा प्रेम हर्ष दुख, ये सारे के सारे विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आठवां है संकेत वाचक वाक्य। यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा रहेगा। संकेत वाचक में एक तो क्या होती है, दो क्रियाएं होती हैं और इसमें किसी ना किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है। दो क्रियाएं इसमें होती है और इसमें दो क्रियाएं में आपको ध्यान क्या रखना है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी। यानी दो क्रिया तो होती है लेकिन जो क्रिया है वो तभी होगी जब वो दूसरी क्रिया हो जाएगी। जैसे देखो उदाहरण, यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अच्छा कब लगेगा? जब तुम भी मेरे साथ रहोगे। तो अगर देखो साथ रहना और अच्छा लगना दो क्रिया है ना, तो जब साथ रहेगा तभी अच्छा लगेगा, साथ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कुल मिला के ये जो अच्छा लगना वाली क्रिया है वो इस पर निर्भर कर रही है, इस क्रिया पर। तो यदि तुम भी मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं एक ये किसी शर्त की पूर्ति यहाँ पे हो रही है कि आपको मेरे साथ रहना है तब मुझे अच्छा लगेगा। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। वर्षा होना और पैदा होना किसका? अनाज का। अनाज तभी पैदा होगा जब वर्षा होगी। तो अनाज पैदा होना किस पर निर्भर कर रहा है? वर्षा होने पर। परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। तो सफल कब होंगे? जब परिश्रम करोगे। तो यहां पर ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे मतलब सफल कब होंगे, जो सफल होना है वो किस पर निर्भर कर रहा है? परिश्रम करने पर। तो ये क्रिया परिश्रम करने पर निर्भर कर रही है। तो संकेत वाचक में हमेशा दो क्रिया होती है और दो में से एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। तो ये आठ प्रकार थे दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के। तो आज हमने यहाँ पे वाक्य के प्रकार, उद्देश्य, विधेय क्या होता है, वाक्य के रचना के आधार पर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे पढ़ा, और उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेदों के बारे में हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। साथ साथ इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।